नमस्कार, मैं साक्षी दुबे और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव की यह घटना है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। पुलिस को 5 शव बरामद हुए, जिनमें से 3 बेटियां, पति और पत्नी के शव बरामद किए गए। आपको बता दें कि तीनों बेटियों और पत्नी के गले पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जहां दूसरी तरफ पति का शव एक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। हालांकि पति के शरीर पर धारदार हथियार के कोई भी निशान नहीं है, जिसे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले पति ने अपनी तीनों बेटियों की हत्या की होगी और उसके बाद अपनी पत्नी को मारा होगा, फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गए। मृतक की शिनाख्त राहुल तिवारी के रूप में हुई, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। उनकी बहन प्रीति ने कहा कि उनका परिवार वालों से बहुत विवाद चल रहा था, ससुराल वालों से बहुत विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनके ससुराल वालों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया होगा। दरअसल प्रीति ने बताया कि उनके भाई का अपने ससुराल वालों से काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। राहुल अपने ससुराल वालों के साथ ही रहते थे, फिर विवाद बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद उन्होंने किराए का एक कमरा लिया और उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगे, लेकिन तब भी मामला नहीं सुलझा। उसके बाद लड़ाई हमेशा बढ़ती ही गई। जानकारी के मुताबिक राहुल ने अपने ससुराल में ही कुछ जमीन और एक घर खरीदा था, जिसको लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हत्या या आत्महत्या तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में सालों और एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है और कहा है कि तहकीकात अभी जारी है, जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।